वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। दोस्तों आप लोग यदि मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पर, टेलीग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पे, तो आप डॉक्टर अंशुमान सुमन के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे मिलेंगे, आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों मैं आज जो है आपको जिस प्रकार से आपको मैं सीरीज बता चुका हूं ऑलरेडी छत्रपति का, शिवाजी के बाद के छत्रपति का, और मुझको पूरा भरोसा है जिस किसी ने वीडियो को देखा होगा उसको सुई तो अपने उसके लबों पर होगा। तो चलिए आपको पता है अब उसके अनुसार से कि पहला नंबर जो छत्रपति शिवाजी के बाद आएगा वो था राजा राम। तो राजा राम का दो टर्म है, अभी हम पढ़ रहे हैं उसके फर्स्ट टर्म का, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से। अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु पेचिस रोग के कारण हो गया था, ठीक है। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है यहां उत्तराधिकार का युद्ध चला किसके किसके बीच में, एक तो उसका पुत्र संभाजी था बड़ा वाला, और दूसरा पुत्र जो था राजा राम था। राजा राम की माता का नाम सोयराबाई और संभाजी के माता का नाम साईबाई निंबालकर, हम डिस्कस किए पिछली वीडियो में। जो कोई मेरे दोस्त अगर पिछली वीडियो नहीं देखे वो प्लीज देखिए, मजा आएगा। तो ये दोनों के बीच में जब संघर्ष चला, इसी बीच में सोयराबाई थोड़ा चलाकी की और मात्र 10 वर्षीय पुत्र, यानी राजा राम का उम्र उस समय मात्र 10 था, और 10 वर्षीय पुत्र को छत्रपति के गद्दी पर बैठा दिया। तो अब ये कहा जा सकता है कि टेक्निकल रूप से शिवाजी के बाद अगर कोई छत्रपति बना तो वो राजा राम था, भले वो मात्र 10 साल का हो, और उसकी माता सोयराबाई थी देखरेख करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो इसका जो छत्रपति के गद्दी पर बैठाना ज्यादा लाभकारी नहीं हुआ, क्योंकि संभाजी अपना अधिकार चाहता था। और संभाजी क्या क्या, 20 जुलाई 1680 ईस्वी को इस माता और पुत्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें माता और पुत्र दोनों को कैद किया कर लिया गया, किसके द्वारा, संभाजी के द्वारा। तो इस प्रकार से वास्तविक उत्तराधिकारी संभाजी अपना गद्दी प्राप्त किया, और जो है ये दोनों को कैद में ही रखा, माता और पुत्र राजा राम को, अर्थात राजा राम को कैद में रख लिया और संभाजी गद्दी पर बैठ गया। तो बस इतना सा ही राजा राम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। आगे अब हम बताएंगे जो है संभाजी के बारे में, ठीक है। देखिए कि संभाजी को देखेंगे, दूसरा जो छत्रपति था राजा राम था उसको देखे, बहुत छोटा काल था, 10 साल का बच्चा था, और जिसका संरक्षण सोयराबाई कर रहा था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया और 9 साल के लिए, कितने साल के लिए, 9 साल के लिए संभाजी गद्दी पर बैठ गया, जो ये तीसरा छत्रपति के रूप में आया, ठीक है। क्योंकि पहला छत्रपति अगर देखा जाए तो वीर शिवाजी, दूसरा छत्रपति कौन, राजा राम, और तीसरा छत्रपति संभाजी। इसका राज्यारोहण हुआ 20 जुलाई 1680 ईस्वी को। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा उपयोगी है, तो मित्रों यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा और इसको अच्छा से देखिएगा, और ये बिल्कुल है कि यहीं पे याद हो जाएगा आपको, बस एक बार वीडियो को अच्छा से देखना है, ठीक है। तो इन्होंने अपने क्या किया, जब इसको हराया, यानी कि अपनी सौतेली मां को और अपने सौतेले भाई को जब ये हरा के गद्दी प्राप्त किया, तब इन्होंने सर्वोच्च पद जो दिया, एक व्यक्ति है उसका नाम है कवि कलश, कवि कलश को सर्वोच्च पद दिया। ये कवि कलश है कौन, ये उत्तर भारतीय था, कौन था, उत्तर भारतीय था। अब आप बताइए कि दक्षिण भारत में का यह साम्राज्य, वहां पे किसी उत्तर भारतीय को सर्वोच्च पद दिया गया तो विरोध होना लाजमी था, और वहां के सरदार और देशमुख इसका विरोध भी किया, और इससे संभाजी के प्रति जो है लोगों का निष्ठा भी टूटा। एक तो यह कारण था संभाजी के साथ निष्ठा टूटने का, दूसरा कारण था कि संभाजी जो है वो अविश्वासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो किसी पर विश्वास नहीं करता था, और अगर वह विश्वास करता था तो मात्र एक व्यक्ति पर विश्वास करता था, उसका नाम था कवि कलश।
देखिए, तो दोनों ही तरह से संभाजी अपने सरदारों का विश्वास खोता चला गया और निष्ठा भी खोता चला गया, और परिणाम हुआ कि अंतर कलह बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तब इससे आपको जानने में, आगे जानने में, समझने में मजा आएगा। अब देखिए, तो शिवाजी आखिर अपने शासनकाल में क्या किया, तो उन्होंने मात्र दो ही काम किया। पहला तो जंजीरा के सिद्धियों को दबाने का काम किया वो, और दूसरा वो पुर्तगालियों को दबाने का काम किया। मतलब अपनी सारी शक्ति जो झोंक दिया वो दो ही क्षेत्र में झोंका, जंजीरा के सिद्धि के विरुद्ध और दूसरा पुर्तगाली के विरुद्ध। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को शरण में रखा था। आखिर अकबर द्वितीय क्यों आया यहां पे? अकबर द्वितीय खुद पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, और तब जो है वो भाग करके मराठा साम्राज्य में आया, और जो है संभाजी ने उसको शरण दिया। ये स्वाभाविक बात है कि एक सम्राट के विरुद्ध अगर कोई शरण देगा तो उसका कोप भाजन बनना पड़ेगा, और संभाजी के साथ यही हुआ, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अकबर द्वितीय को शरण किसने दिया, तो संभाजी ने दिया। ठीक है, आगे आइए। पहला बात तो औरंगजेब के लिए यह था कि उसके पुत्र को संभाजी नामक एक मराठा छत्रपति शरण दिया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता था कि इतने बड़े सम्राट के अगेंस्ट में कोई खड़ा हो जाए। दूसरी बात औरंगजेब के लिए यह था कि दक्षिण का जो अभियान था औरंगजेब के लिए सुल बन गया था, और अगर हम यह कहें, जब आप मुगल काल का पतन पढ़िएगा तो देखिएगा कि औरंगजेब का दक्षिण अभियान मुगल काल के पतन का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दक्षिण में औरंगजेब फंसते चला गया था, और वहां पे बीजापुर और गोलकुंडा को जीता नहीं जा सका था। तब औरंगजेब खुद बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए दक्षिण का अभियान किया। यह सत्य है कि 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीत गया था। औरंगजेब का दक्षिण अभियान में दो युद्ध जीता था वो, एक बीजापुर को जीता 1686 में और गोलकुंडा को जीता 1687 में। इस जीत के बाद औरंगजेब अब चाहा कि संभाजी को भी सबक सिखा के ही वापस लौटा जाए। ठीक है दोस्तों, क्यों संभाजी को सबक सिखाया जाए? क्योंकि आपको पता है कि संभाजी ने उसके विद्रोही पुत्र को शरण दे रखा है, जिसका नाम अकबर द्वितीय था। ठीक है, अब देखिए, औरंगजेब जो है अपने साथ फिरोज जंग प्रथम, उसको साथ लेकर के संभाजी और कवि कलश पर आक्रमण कर दिया। और अब जब फिरोज जंग प्रथम की बात आया है, तो मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। पिछली वीडियो जब हम उत्तर मुगल काल के बारे में बता रहे थे, तो वहां पे हम जो है फिरोज जंग की बात किए थे प्रथम की, और फिरोज जंग जिन्होंने की आसफ जाही वंश की स्थापना किया था, और उसी का वंशज जो है निजामुल मुल्क भी था। आप हमको ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वो कहाँ पे सत्ता स्थापित किया था दक्षिण में, आसफ जाही सत्ता कहाँ पे स्थापित किया था। ठीक है, तो वही फिरोज जंग का सहायता लेकर के औरंगजेब संभाजी पर आक्रमण किया, और संभाजी पर जब वो आक्रमण किया, ठीक है, फिरोज जंग के साथ, तो संभाजी भाग करके संगमेश्वर के किला में छिप गया। कहां पे छिपा? संगमेश्वर के किला में। जब आक्रमण किया गया संभाजी पर, तो संभाजी भाग कर संगमेश्वर के किला में छिप गया। संगमेश्वर जो है महाराष्ट्र का ही एक जिला का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप देखिए कि संगमेश्वर के किला में जब वो छिप गया, इसको पीछा इसका करते रहा कौन? औरंगजेब। और इसका पीछा करके इस दोनों को कैद कर लिया। किसको किसको? कवि कलश को भी और संभाजी को भी। ठीक है, तो संभाजी और कवि कलश को कैद करने के बाद ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी यातनाओं और प्रताड़नाओं
सेनाओं के साथ कवि कलश और संभाजी दोनों का हत्या औरंगजेब कर देता है। कोई कोई इतिहासकार ऐसा भी लिखा है कि औरंगजेब को संभाजी के प्रति इतनी घृणा हो गया था कि संभाजी को मारकर उसकी खाल को खींच लिया और उसके खाल में भूसा भरकर पेड़ में लटका दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि संभाजी का जो मृत्यु हुआ बहुत ही निर्मम हत्या हुआ था, ठीक है। और इसी के साथ जब संभाजी को कैद किया गया था उसके पुत्र को भी कैद किया गया था जिसका नाम था साहू जी। तो दोस्तों साहू जी को भी कैद कर लिया और रायगढ़ का किला आपको मालूम है शिवाजी ने अपनी जो किला बनाया था वो रायगढ़ का ही किला था, ठीक है। तो रायगढ़ के किले में ही कैद कर दिया किसको, साहू जी को। और दोस्तों आपको हम बता दें कि यही वो साहू था जिसको कि मुगल बादशाह मुअज्जम ने रिहा किया था। आप लोग याद कीजिए पिछला वीडियो में बताए थे तो मुअज्जम ने इसी साहू को रिहा किया था। तो इस साहू को अभी जो है औरंगजेब अपने अभियान में कहां पे कैद किया, रायगढ़ के किले में कैद किया। तो इस प्रकार से आप देखिए संभाजी का इतिहास यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और अब अगला पुनः जो है द्वितीय टर्म के लिए राजा राम आएगा उसको देखेंगे। देखिए आपको है आगे का छत्रपति जो छत्रपति राजा राम के नाम से जाना गया, ठीक है, स्वाभाविक है। इसका पहला टर्म हम आप लोग सामने बताए हैं, आपको बताए हैं पहला टर्म क्या था, ठीक है। अब ये दूसरे टर्म के लिए आया है यानी कि संभाजी के बाद का ये टर्म है, ठीक है। तो दूसरे टर्म में ये क्या किया, अब ये 11 साल तक रहा, इसको जानिए 11 वर्ष तक, ठीक है। ये जब छत्रपति का पद धारण किया उस समय से ही इसको औरंगजेब का डर सता रहा था। और जब इसको औरंगजेब का डर सता रहा था तो इसमें उतनी हिम्मत भी नहीं था कि औरंगजेब का वो डट कर सामना करें, अतः वो भागते रहा, दक्षिण की तरफ भागते रहा। और ये औरंगजेब के भय से ये भाग करके जिंजी चला गया। दोस्तों जिंजी कहाँ है, ये अर्काट का क्षेत्र है, अर्काट का क्षेत्र जो तमिलनाडु में है वहां जिंजी है, वो जिंजी चला गया। और जिंजी में ही जाकर के देखिए 1689 ईस्वी में, 1689 को अगर उलट दीजिएगा तो 98 हो जाएगा, 89 को उलटिएगा तो 98 हो जाएगा। तो 98 तक वो जिंजी में ही रहा और राजधानी जिंजी को ही बनाया। अब जरा ध्यान से देखिए कि जो मराठा की राजधानी पहले रायगढ़ हुआ करता था, अब दूसरी राजधानी के रूप में जिंजी भी काम आने लगा। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिंजी किसने राजधानी बनाया, तो राजा राम ने बनाया, ठीक है। तो वहां 1698 ईस्वी तक वही वो रहा, जिंजी में ही रहा, लेकिन 1699 ईस्वी में राजधानी को परिवर्तित करके सतारा लेकर आया। आखिर क्या कारण था इसके पीछे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानिएगा तो और मजा आएगा। देखिए इसको ये भगोड़ा तो था ही, ये लड़ तो सकता नहीं था। संयोग से क्या हुआ कि 1658 ईस्वी में मुगल इसको जीत गया, किसको, जिंजी को। तो वह जिंजी छोड़ के पुनः भागा, अभी तक तो जिंजी में भाग के था रायगढ़ से, और वहां से फिर ये भागा, भागा तो आया सतारा, और सतारा को फिर दूसरी राजधानी अपना बना लिया। तो इस प्रकार से देखिए मराठा की राजधानियां, रायगढ़ भी इसकी राजधानी थी, जिंजी भी राजधानी रहा और सतारा भी राजधानी हुआ, आगे चलकर कोल्हापुर भी राजधानी होगा। तो इस प्रकार से मराठाओं की राजधानियां में परिवर्तन हुआ। तो अब देखिए लेकिन भागने के क्रम में ही, अब ये भाग दौड़ में ही कहिए, तो 1700 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया। तो ये भी अचानक इसकी मृत्यु हुआ। तो दोस्तों देखिए अभी तक हम पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि वास्तव में उत्तराधिकारी जो था शिवाजी के बाद संभाजी था, और संभाजी के बाद जो वास्तव में उत्तराधिकारी होना चाहिए था वो साहू होना चाहिए था, लेकिन साहू बहुत छोटा था तो राजा राम को बनाया। अब राजा राम की मृत्यु हुआ तब तो साहू जी को बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, फिर बनाया किसको, शिवाजी द्वितीय को। शिवाजी द्वितीय कौन था, राजा राम का पुत्र था, ठीक है। तो इसी के पुत्र को बना दिया गया, साहू जी को नहीं बनाया, ठीक है। अब थोड़ा साहू जी के बारे में जानिए, साहू जी किसके कैद में था, औरंगजेब के कैद में था। कहां पे था, रायगढ़ के किले में कैद था। औरंगजेब की मृत्यु कब होता है, 3 मार्च 1707 को।
3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध लड़कर मुअज्जम क्या होता है, राजा बनता है। और मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, साहेब बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, उसने साहू को क्या किया, साहू को रिलीज कर दिया था, ठीक है। और साहू को जब रिलीज किया तो वो चाहता था कि मराठा शक्ति जो है वो ताकतवर नहीं रहे, ठीक है। वो मराठा शक्ति ताकतवर नहीं रहे इसलिए उन्होंने साहू को मराठा का राजा माना, ठीक है। स्वाभाविक बात है कि साहू आता तो लड़ाई होता, किसके साथ, शिवाजी द्वितीय के साथ। और शिवाजी द्वितीय के साथ लड़ाई क्या होगा, शिवाजी द्वितीय बाल अवस्था में था, उसका अगर कोई संरक्षिका थी तो वो संरक्षिका थी उसकी माता ताराबाई, ठीक है। तो ताराबाई के बारे में दो शब्द सुन लीजिए, ताराबाई कौन थी, ताराबाई बहुत ही निर्भीक और साहसी महिला थी, यहां तक कि सैनिक निरीक्षण वह खुद करती थी। और यह बताएं कि उन्होंने अपने ही नेतृत्व में, एक प्रकार से कहिए कि उसके रिजेंट काल में मुगल के जितने अभियान थे उसको वो विफल कर दिया था। और साथ ही साथ गुजरात पर मराठाओं ने आक्रमण किया और बड़ौदा को लूटा भी था। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ौदा को किसके, किस छत्रपति के शासनकाल में लूटा गया, तो क्या होगा, शिवाजी द्वितीय। और ये भी अगर पूछा जाए उसमें रिजेंट कौन था, तो रिजेंट उसकी माता ताराबाई थी। इस प्रकार से हम एक प्रकार से ओवरऑल अगर एनालिसिस करें ताराबाई का चरित्र का, तो पता चलता है कि वो निर्भीक और साहसी और बहुत ही दूरदर्शी महिला थी, ठीक है। तो अब ये, अब ताराबाई और ये शिवाजी द्वितीय, इस दोनों का सामना होना ही था, किसके साथ, साहू जी महाराज के साथ। क्यों हो रहा था, क्योंकि साहू जी को अब जो है मुगल बादशाह मुअज्जम राजा मान लिया और उन्होंने ये अधिकार भी दिया कि चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करने का अधिकार किसके पास है, साहू जी के पास है। तब वो साहू जी वहां पे आता है और ये महान युद्ध लड़ा जाता है, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध जो होता है 12 अक्टूबर 1707 को होता है। तो आप लोग देख चुके हैं 1707 में मुअज्जम गद्दी पर बैठा था और उस समय तक 3 मार्च में औरंगजेब मर चुका था। और यहाँ खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ है, कंफ्यूज करने की बात नहीं है। सुकरखेड़ा का युद्ध जो है चिंकलीज खां के साथ हुआ है, ठीक है, और मुबारिज खां के साथ हुआ, ये खेड़ा का युद्ध है। इस युद्ध में शिवाजी द्वितीय को साहू जी हरा देता है और साहू जी अब छत्रपति बन जाता है। लेकिन शिवाजी हार जरूर जाता है, अरे सतारा वो हार जाता है, अभी तक राजधानी कहाँ है, सतारा था, सतारा वो हार जाता है, लेकिन सतारा से वो भाग कर कोल्हापुर में शरण लेता है, ठीक है। और इसी बीच में एक संधि होता है 1731 ईस्वी में, बरना की संधि, बरना की संधि। और इस बरना की संधि में मराठा साम्राज्य को दो भाग में बांट दिया जाता है, एक उत्तर का हिस्सा और दूसरा दक्षिण का हिस्सा। तो उत्तर का हिस्सा जो रहता है वो सतारा होता है, ये तो दक्षिण का हिस्सा आप देखें कि कोल्हापुर होता है। तो इस प्रकार से हम जान गए कि मराठा साम्राज्य को अगर दो भाग में बांट दिया गया, उत्तर भाग जो हो गया सतारा हो गया और दक्षिण भाग कोल्हापुर हो गया। इसके बाद अब जो हम देखेंगे साहू जी के काल को देख लेंगे तो लगभग सारा छत्रपति के बारे में हमको पता चल जाएगा। और साहू जी को समझना बहुत आसान है, सारी घटनाएं जो हम आपको शिवाजी द्वितीय के समय में बताए हैं वो सारी घटनाएं यहाँ पे भी होगा, क्योंकि वो पैरेलल है। उसी प्रकार से देखिए, ये देख लीजिए कि 1707 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा, कब, खेड़ा युद्ध के बाद, और रहा कब तक, 1749 ईस्वी तक। ये देखिएगा इसका लंबा ड्यूरेशन है, लगभग 42 साल का, ठीक है, ये हम इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो ये वाला पॉइंट तो पहले ही आपको सिखा दिए हैं, बता दिए हैं कि खेड़ा का युद्ध 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, शिवाजी द्वितीय और उसकी माता ताराबाई के साथ हुआ था, जिसमें साहू जी का जो है कूटनीतिक विजय हुआ था और ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को पन्हाला में शरण लेना पड़ा था। कहां पे शरण लिया, वो पन्हाला में शरण लिया, ठीक है। उसके बाद से वो वहां पे था पन्हाला में, और इसी बीच में बरना की संधि होता है 1731 ईस्वी में, बरना की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इस प्रकार से ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठा शक्ति जो बिखर गया था किस संधि से एकजुट हुआ, तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि बरना की संधि ने आपस में मतभेद को भुला दिया
और बरना की संधि ने मराठा के दो राज्य को जन्म दिया जो पीछे भी हम बताए थे, तो एक सतारा का और दूसरा कोल्हापुर का। सतारा पर छत्रपति शाहूजी सुशोभित हुआ, वही कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर कोल्हापुर की और एक स्टेप की बात करें तो शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद, राधा राम की दूसरी पत्नी का पुत्र जो था उसका नाम था संभाजी सेकंड, तो कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के बाद संभाजी सेकंड क्या है, छत्रपति बना। तो चलिए, इसकी कोल्हापुर का कहानी खत्म हो गया। अब आगे आइए ये साहू जी के बारे में। तो साहू जी के बारे में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से संभाजी को एक व्यक्ति का सहयोग मिला था, आप कीजिए, उसका नाम था कवि कलश, उसी प्रकार से साहू जी को अगर कोई व्यक्ति मिला संकट काल में हर घड़ी साथ देने वाला, वो व्यक्ति था चित्त पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथन। क्या नाम था उसका? चित्त पावन बालाजी ब्राह्मण। तो ये बालाजी जो विश्वनाथन थे, वो चित्त पावन ब्राह्मण था, उन्होंने साहू जी को हर घड़ी में साथ दिया। ठीक है, तब साहू जी ने उसको एक उपाधि दिया सेना करते का। हम सेना करते की बात करते हैं तो सेना करते का मीनिंग होता है कि सेना का निर्माण करने वाला। तो आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेना करते कौन था? तो बालाजी विश्वनाथन था। किसने उपाधि दिया? तो साहू जी ने उपाधि दिया था। ठीक है, किसको? बालाजी विश्वनाथन को। बालाजी विश्वनाथन को अगला पेशवा बनाया। आपको मैं यहां पे एक बात बता दूं कि पेशवा जो है अष्टप्रधान का सबसे प्रधान होता था, जो पहले वित्त इत्यादि, वित्त और सामान्य विभाग देखता था, बाद में पेशवा प्रधानमंत्री बन गया था। और अब पेशवा का पद जो है, कृतज्ञता को स्पष्ट करने के लिए साहू जी ने किसको दिया? बालाजी विश्वनाथन को दिया। पहले जो पेशवा का पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन बालाजी विश्वनाथन के बाद से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, क्योंकि इसके बाद से जितने भी आगे का पेशवा बना, इसके बाद जैसे बालाजी विश्वनाथन के बाद जो पेशवा बना बाजीराव प्रथम, जिसके बारे में हम लोग बहुत बड़ा इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद बालाजी बाजीराव, सभी क्या हुआ? वंशानुगत रूप से बनते रहे। तो यहां से प्रश्न उठेगा कि पेशवा का पद जो है वंशानुगत कब हो गया? तो बालाजी विश्वनाथन के बाद से हो गया। ठीक है, और जो है पूछेगा किसके समय में? तो साहू जी महाराज के समय में। तब यहां पे ध्यान दीजिएगा इस बात को कि पेशवा का पद यहीं से छत्रपति के साथ, यानी छत्रपति गौण हो गया और पेशवा शक्तिशाली हो गया। यानी कहने का तात्पर्य, छत्रपति अब नाम मात्र रह गया, टिटुलर रह गया, और पेशवा शक्तिशाली हो गया, और हर जो साम्राज्य का कार्यभार है वो सब जो है पेशवा के आधार पर होने लगा। जैसे कि आप एग्जांपल में आज के डेट में अगर लेना है तो आप ब्रिटेन की सरकार में ले सकते हैं, जो साम्राज्ञी है या जो महाराजा है वहां का, उसको आप छत्रपति से तुलना कर सकते हैं, और वहां का प्रधानमंत्री यहां का पेशवा से तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से जो है छत्रपति का सारा शक्ति किसके पास आ गया? पेशवा में निहित हो गया। तो चलिए, कुछ छत्रपति ऐसा नहीं है कि छत्रपति साहू जी के बाद छत्रपति ही नहीं बना, छत्रपति रहा, जैसे कि राजा राम द्वितीय बना। तो राजा राम द्वितीय जो छत्रपति बना था, इसकी भी एक कहानी है कि ताराबाई जो है राजा राम द्वितीय को अपना पोता कहकर साहू जी के दरबार में रखा था। हालांकि उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है पता नहीं, या षड्यंत्र है, जो भी है, लेकिन राजा राम द्वितीय है, जब साहू जी की मृत्यु हुआ तब गद्दी को हथियाने का कोशिश किया गया, हालांकि यह ज्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाया। उसके बाद से साहू जी द्वितीय रहा। ठीक है, और अगर यह पूछा जाए आपसे कि छत्रपति की जो पद था वो कब समाप्त कर दिया गया, तो उसका आंसर होगा 1818। यानी छत्रपति को 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, आज हम जो है शिवाजी के बाद का जितने छत्रपति था उसको हम सीरीज देखें, उसके बारे में हम समझें, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा और हर चीज को गौर से समझे होंगे। जो चीज पर आप लोग कभी ध्यान नहीं देते थे, आज उसको माइन्यूटली आप समझे होंगे, बिल्कुल मेरा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी
जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कर बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या आपको वीडियो ये सब पसंद आ रहा है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।